हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं निखिल सोनी आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर वन का बिजनेस स्टडीज कर रहे हैं, जैसा कि आप सभी को मालूम है। चैप्टर वन का हमने ओवरव्यू लिया था क्या कुछ पढ़ने वाले हैं, तो इस चैप्टर में हम एक बार स्टार्ट करने चलेंगे। तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। तो जो पहले पढ़ा वो वीडियो देखी तो ठीक है ना, देखी तो ठीक है, लेकिन हम यहाँ से एकदम स्टार्टिंग से कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन है, टाबू केस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन विच इज अमॉन्ग द टॉप कंपनीज इन इंडिया। इट हैज रिजन टू द टॉप बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। यानी यहाँ पे एक हमने शायद केस स्टडी पढ़ी होगी टाटा टाटा कंपनी के बारे में, टाटा स्टील के बारे में। अब ये कहानी आई होप आप सभी इसके बारे में जानते हैं, नहीं जानते तो इसकी कोई भी एक वीडियो उठा के यूट्यूब पे आप टाटा स्टील सर्च मारना, आगे केस स्टडी लिखना, सारी डिटेल्स आ जाएगी। ये तो बहुत कम है। तो इसके साथ साथ हम आगे चलते हैं। तो इसने कहा कि ये जो टॉप कंपनीज में से एक है और ये इतनी टॉप कंपनीज में से शामिल हुई किसके वजह से? क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, दोज मैन्युफैक्चरिंग, हैंडलूम्स, ट्रेडिंग इन कस्टमर गुड्स और प्रोवाइडिंग हेयर स्टाइलिंग सर्विसेज एंड इवन इन नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स ठीक है, अदर एग्जाम्पल। यानी ये कहानी अगर आपने पढ़ी है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी तो हमने एक और एग्जाम्पल पढ़ना है। इतने पूरे एक पैराग्राफ में इसने इतने बताया है कि मैनेजमेंट रिक्वायर है हर एक टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो प्रॉफिट के लिए है, चाहे वो नॉन प्रॉफिट के लिए है, गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट है, सब में जहां लोग मिलके काम करते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जहां लोग मिलके काम करते हैं उसे हम एक ऑर्गेनाइजेशन बोल देते हैं, जहाँ सब लोग मिलके बैठ के एक लक्ष्य की तरह, एक एम की तरह, एक टारगेट को अचीव करने के लिए दौड़ते हैं। तो उन सभी को हम ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। तो आगे चलते हैं, कहानी देखते हैं। तो इस कहानी को पढ़ने से पहले मैं आपको इस कहानी का ओवरव्यू दे देता हूँ फटाफट, ताकि आपके पूरी कहानी समझ में आ जाए। तो यहाँ पे एक लड़की है समिता जी नाम से। किस नाम से? समिता जी, स्मिता राय। और ये कहाँ से है जी? नामची। नामची कहाँ? सिक्किम। कहाँ भाई? सिक्किम। कहाँ से है? सिक्किम से है। और इस कहानी के अकॉर्डिंग 38 ईयर्स की ये एक महिला है जिसका नाम है स्मिता राय। क्या नाम है? स्मिता राय। अब ये जो महिला आपके सामने दिख रही है स्मिता जी, इनकी एक कहें तो हॉबी थी। क्या थी? कि ये जो इस तरीके से जो आपने कैंडल्स देखी होंगी, जो आपने बर्थडे सेलिब्रेशन पे कोई भी पार्टी हुई, कोई भी ओकेजन हुआ, तो उस टाइम पे आपने इस तरह की कैंडल्स देखी होगी जो कि वैक्स से बनती है। इनकी हॉबीज थी, ये ऐसे बनाती इसके वैक्स से। इसको जो मोम बोलते हैं ना, मोम, उसे एक्चुअल में वैक्स बोलते हैं। इस मोम से टॉयज भी बनते हैं। तो इसका इनका एक हॉबी थी कि ये टॉय बनाते और इन कैंडल्स को बनाते और गिफ्ट करते अपने जैसे सिबलिंग्स हो गए, भाई बहन हो गए, कोई दूर के रिश्तेदार हो गए, उनको गिफ्ट करते और लोग उसे मतलब बहुत ही ज्यादा क्या करते हैं, सराहना देते, बहुत ज्यादा उसको थैंकफुल होते हैं उसके, और उसको प्रेज करते कि भी बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छी स्किल है इसके पास। तो एक तो स्मिता जी क्या है कि अपने आस पास के सराउंडिंग में जो वुमेन की कंडीशन थी, यानी जो औरतें थी सिक्किम की, वहां पे उनके साथ हैरेसमेंट होता। और ये जो कहानी है बड़ी ही मतलब एक मोटिवेशन है उस लड़की के लिए, महिलाओं के लिए जो आपके आसपास, आप सभी आप हो या फिर आपके आसपास जो भी आपको दिख रहे हैं। तो समिता जी क्या करते हैं, इन वुमेन की तरफ देखते हैं यार कि इनकी कंडीशन सही नहीं है यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। यानी ये पढ़े लिखे थे और जितने भी वुमेन थी सिक्किम के, वहां के अपने आसपास सराउंडिंग की नामची में, तो ये उनकी कंडीशन से सेटिस्फाई नहीं थी कि ये जॉबलेस है, इनके पास कोई स्किल नहीं है, इनका हरेसमेंट होता है। तो इन सब चीजों से वो परेशान थी, वो सोच रही थी कि ऐसा क्या करें कि इनकी जो लाइफ कंडीशन, जो जीवन जीने की शैली है, कंडीशन है, वो हम उसको बढ़ा पाए। तो अब ये क्या करती है, ये उन सारी की सारी वुमेन्स को इकट्ठा करती है। क्या करती है भाई? इकट्ठा करती है। इकट्ठा करके क्या करती है, नचाती नहीं है दोस्तों, उनको एक मीटिंग में लेके आती है, उनको बताती है कि भाई इस तरीके से हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। उनके लिए कुछ करना चाहती थी लेकिन ये उसके दिमाग में आइडिया नहीं था। तो इनको एक करने से पहले ये किन से मिलती है? सुमिता जी मिलती है एक अभिषेक से। किससे मिलती है भाई? अभिषेक से। अभिषेक कौन था?
ब्रांच मैनेजर था कहाँ, NEDFI। ये क्या है, एक टाइप ऑफ बैंक है जो क्या करता है, फाइनेंस प्रोवाइड करता है, फंड प्रोवाइड करता है, ताकि हम लोगों को क्या कर सकें, उनकी स्किल इंप्रूवमेंट कर सकें, पर्सनैलिटी डेवलप कर सकें, उनको एक ऐसा हम सोर्स दे सकें ताकि वो इनकम जनरेट करें। तो ऐसा काम था इस NEDFI का, जिसके ब्रांच मैनेजर नामची के थे अभिषेक। अब अगस्त 2012 को यानी 2012 को जो सुमिता जी है वो मिलती है अभिषेक जी से, और ये सब कुछ पता लगता है किस तरीके से हम फंड देने दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी प्लान वगैरह हो तो हम आपको इम्प्रूवमेंट स्किल वगैरह सब कुछ आपको हम प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो अब इसके दिमाग में आइडिया, ये जो चुटकी सी दिख रही है ये बड़ी शातिर थी, इसके दिमाग में आइडिया, क्यों ना हम इन सारे वुमेन्स को एक करें, इनको वो स्किल सिखाएं जो मेरे पास है, जो मेरी हॉबी है, क्यों ना मैं इस हॉबी को इस नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊं, और इन एक वेंचर जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, वेंचर। वेंचर क्या होता है हिंदी में, हम उद्यम बोलते हैं, यानी कोई भी बिजनेस व्यापार हम बोलते हैं, तो वो क्यों ना बना दूं मैं इस मेरी हॉबी को। तो ये क्या करती है, उन सारे वुमेन को इकट्ठा करना, उनकी मीटिंग बिठाती है, उनको बताती है कि इस तरीके से अपना प्लान रहने वाला है, हम सब मिलके इस तरह से एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे जिसमें हम कैंडल्स और जितने भी टॉयज है जो वैक्स से बनते हैं वो हम बनाएंगे। तो धीरे धीरे क्या होता है, एक अच्छी तरीके से जैसे ओकेजन आते हैं, तो भाई ये जो स्पीड थी इनकी कैंडल्स वगैरह बनाने की, तो इनकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ने लग गया, इनकी डिमांड बढ़ने लग गई। ओकेजन आते तो ये ओकेजन के अकॉर्डिंग ये मॉडिफाई करके देते, आपको ये कैंडल्स बना के देते हो, तो इनकी कैंडल्स काफी बिकने लगी बाजार में। तो यहाँ पे ये मोटिवेट होने लगे, भाई हम और ज्यादा ग्रो कर सकते हैं, और ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह से ये चलते गए चलते गए, और इनको आगे चल के काफी अवार्ड्स मिले, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2015-16 का अवार्ड इन्हें मिला। फिर 2018 में इनको श्रीमंता शंकर मिशन ऑफ द गुवाहाटी मिला, जो कि दिल्ली है, और ये ऐसे करके इन्होंने काफी अवार्ड्स लिए। और फिर जब धीरे धीरे आगे बढ़े तो इनका जो एक हैरेसमेंट होता था वुमेन का वो दूर हो गया, उनको वो ओवरकम कर पाए। और फिर क्या है, इन्होंने एक जो कहानी है, इस कहानी से हमें एक ऐसी एक्शंस पता, एक्टिविटी पता लगी कि हम एक कोई भी टिपिकल डे उठाएं, किसका, सुमिता जी के जीवन का, एक कोई भी दिन उठाएं, तो उसका जो भी पूरा प्रोसेस था, जो एक्टिविटी थी वो करते थे, वो हमने देखी कैसे कि ये सुबह उठते तो इनके दिमाग में भाई बिजनेस बिजनेस। अब आप जब बिजनेस करते हैं तो सारे दिन बिजनेस बिजनेस चलता है, आप कोई नौकरी करोगे तो वो बस 5-7 घंटा काम करके आप थक जाओगे, फिर वो तो आप चाहोगे कि भाई और मेरे को नहीं करना। लेकिन जब आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपके दिमाग में सारे दिन बिजनेस चलता है। अब इनके दिमाग में क्या चलता कि प्लानिंग, आगे कौन सा ओकेजन आने वाला है, कौन सा त्योहार है, किसका बर्थडे पार्टी है, क्या क्या कुछ सीजन चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग इनकी प्लानिंग चलती रहती, ठीक है। फिर इनके दिमाग में फंड रेज करना, कि इसके लिए प्रोडक्शन बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उसके लिए फंड रेज करना पड़ेगा, फंड रेज करना, और फंड रेज हो गया, पैसे आ गए, फंड रेज मतलब पैसे लेके आना, पैसे आ गए तो हमें प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो वर्कर है वो हायर करने पड़ेंगे, फिर कम्युनिकेट करना पड़ेगा सप्लायर से, भाई कि हमारा प्रोडक्शन ऐसा ऐसा है और कस्टमर्स हमारे इतने ज्यादा इस टाइम पे डिमांड कर रहे हैं, तो आप जल्दी से जल्दी हमारे सप्लाई कीजिए। तो ये सप्लायर से कम्युनिकेटिंग करना, फिर गुड्स जो आप प्रोडक्ट तैयार करो उसकी डिलीवरी करना, टाइम पे डिलीवरी करना, और फिर ये जो फीडबैक लेना कस्टमर से, बातचीत करके कि भी आपको हमारे प्रोडक्ट्स कैसे लग रहे हैं, ये सारे काम हमने किन के लाइफ से कंक्लूजन निकाला, सुमिता जी के। हाँ, जो सुमिता जी थी उनके लाइफ से, जो उन्होंने एक बिजनेस सेटअप किया था जो कि नामची डिजाइनर कैंडल्स ऐसे करके उसका एक बिजनेस था सुमिता जी का, ये सेटअप हो गया। अब हम देखें तो ये जितनी एक्टिविटी आपके सामने दिख रही है ये किसकी एक्टिविटी है, इन शॉर्ट ये उस मैनेजमेंट की एक्टिविटी है जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको शॉर्ट में पूरी कहानी बताई सुमिता जी की, किस तरह से सुमिता जी एक जो सोशल वर्क करना चाहते थे वुमेन के लिए, उन्होंने अपने हॉबी को उन सभी को एक साथ मिला के, वुमेन्स को मिला के, और एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो वो हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। स्मिता राय इज ए 38-year-old एंटरप्रेन्योर फुकरी ऑफ इन ए रूरल डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड नामची साउथ सिक्किम, यानी साउथ सिक्किम के नामची में 38-year-old, जो वहाँ ग्रामीण इलाके में पल बढ़ के बड़ी हुई है। शी वॉज वेरी गुड इन आर्ट एंड क्राफ्ट, पर्टिकुलरली वैक्स मोल्ड्स।
यानी जो वैक्स मॉल्स यानी जो मोम के जितना भी ढांचे हम बनाते हैं, कुछ भी कोई भी तरीके के टॉय हो गए, कैंडल्स हो गए, शी लव टू मेक कैंडल्स, ऑफन सी मेक इनटू टॉयज एंड स्मॉल पीसेस ऑफ आर्ट विद वैक्स एंड यूज इट एज अ गिफ्ट फॉर हर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। शी वॉज लव्ड एंड अप्रिसिएटेड फॉर दिस। स्मिता वॉज नेवर हैप्पी विद द कंडीशन ऑफ द वुमेन इन हर डिस्ट्रिक्ट। एक बार हम यहाँ तक कंक्लूजन निकाल लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहानी बता दी, उससे बाहर तो कुछ है ही नहीं कि वहां पे उसको कैंडल्स वगैरह बनाने का इंटरेस्ट था, हॉबी थी उसकी, वो गिफ्ट वगैरह देती उसके बर्थडे पे या कोई भी पार्टी होती। तो आगे उन्होंने कहा कि वो कभी खुश नहीं थी वुमेन की कंडीशन से, जो कि उसके डिस्ट्रिक्ट में थी, मोस्ट वर पुअर, गरीब थी, जॉबलेस थी। सो शी प्लान टू डू समथिंग टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स बिकॉज शी न्यू द इम्पार्टिंग स्किल्स ऑफ लिवलीहुड इज नीडेड, बट शी हैड नो आइडिया ऑफ हाउ टू इम्प्लीमेंट हर आइडिया। लिवलीहुड होता है बेटा कोई भी रोजमर्रा की जो जीविका हम जिसे बोलते हैं, जीवन जीने के लिए जो हम काम करते हैं उसे लिवलीहुड बोलते हैं। इम्पार्टिंग स्किल यानी उस जीवन को यापन, जीवन जीने के लिए कोई स्किल तो होनी चाहिए, तभी आप पैसा कमा पाओगे। ऑब्वियसली बात है, पैसा नहीं होगा तो क्या खाओगे? पैसा तो नहीं खाते, लेकिन पैसा से ही सब कुछ आता है आजकल, ठीक है। तो इन अगस्त 2012 सी मेट अभिषेक लामा, द ब्रांच मैनेजर ऑफ NEDFI नामची ब्रांच, ए फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। यानी ये क्या था, NEDFI एक फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है विच सपोर्ट लोकल पीपल विद स्किल्स डेवलपमेंट। यानी ये क्या काम करती है कॉर्पोरेशन, जो फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, ये स्किल डेवलपमेंट में हेल्प करती है और चैनलाइज इनटू रिवेन्यू जनरेटिंग, यानी उनको स्किल डेवलप करके उनके अंदर एक ऐसी स्किल लेके आना जिससे वो रिवेन्यू जनरेट कर पाए। इसके बाद हम आगे चलते हैं। स्मिता गोट इंटरेस्टेड, और इन सब बातों को सुन के स्मिता के अचानक से इंटरेस्ट आया उसमें, और आई लव मेकिंग कैंडल्स, देन व्हाई नॉट कन्वर्ट माई हॉबी इंटू ए वेंचर एंड इन्वॉल्व दिस रूरल वुमेन ऑल्सो। तो उसके दिमाग में आइडिया है, क्योंकि क्यों ना मैं ये मेरी हॉबी को एक वेंचर बना दूं, बिजनेस बना दूं और इन सारी ग्रामीण औरतों को एक साथ ले आऊं। दिस रूरल वुमेन ऑल्सो सी थॉट दैट दिस लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नामची डिजाइनर कैंडल्स। ये मैंने आपको बताया था क्या नाम था, नामची डिजाइनर कैंडल्स। With the help of NEDFI, some financial institutions and support from different stakeholders in various dimensions. यानी उनको stakeholder मिल गए, वो investor मिल गए उसको, और वो NEDFI की help से उन्होंने ये पूरा business start किया। Since then, the women have never looked back despite the challenges. The women also faced a lot of harassment, but they could overcome all those troubles. यानी उनको harassment का सामना भी करना पड़ा और वो इन सब से ओवरकम कर पाई। नामची डिजाइनर कैंडल्स हैज 100% वुमेन एज एम्प्लॉइज एंड दे आल्सो प्रोड्यूस वैरायटीज ऑफ कैंडल्स ड्यूरिंग दिवाली एंड दे प्रोड्यूस कस्टमाइज्ड कैंडल्स मेंट फॉर द ओकेजन। दिस दिवाली थीम्ड कैंडल हैड बीन अ सक्सेस इन सिक्किम एज इट्स डिमांड इंक्रीज्ड ऑन ए ईयरली बेसिस। यानी अब जो ओकेजनल बेस पे, ओकेजनली जो त्योहारों के ऊपर जो कैंडल्स बनाते हैं, ये कस्टमाइज करता कैंडल, और ये जो दिवाली पे बनने वाली कैंडल्स थी ये काफी ज्यादा इन्होंने सक्सेसफुल रही सिक्किम में। इसके बाद है नामची डिजाइनर कैंडल्स हैज बीन रिसीविंग न्यूमरस रिवॉर्ड सच एज नॉर्थ ईस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर। ये अवार्ड मैंने आपको बताया जो उन्होंने श्रीमंता शंकर मिशन ऑफ गुवाहाटी दिल्ली में है, और न्यू ईस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर 2015-16 अवार्ड उन्हें मिला। ए टिपिकल डे इन स्मिता'स लाइफ कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ इंटरलेटेड कंटिन्यूस फंक्शंस। यानी अब ये बात बता रहा है कि हम अगर स्मिता के लाइफ की बात करें तो उसमें कुछ इंटरलेटेड यानी जुड़े हुए कंटिन्यूस लगातार होने वाले फंक्शन हमें पता लगे, फंक्शन यानी काम पता लगे। सी हैज टू प्लान ए स्पेशल फेस्टिवल कलेक्शन फॉर दिवाली। यानी अब उसे कोई भी फेस्टिवल आता है, कोई भी मतलब त्योहार आता है, उसके लिए उसको प्लानिंग करनी पड़ती क्या कुछ करना है। दिस मीन्स ऑर्गेनाइजिंग मोर फंड्स। अब इसका मतलब था कि फंड लेके आओ भाई, फंड लाने के बाद रिक्रूटिंग यानी हायर करना मोर वर्कर्स को, ज्यादा वर्कर हायर करने। शी ऑल्सो हैज टू रेगुलरली कम्युनिकेट विद हर सप्लायर्स, सप्लायर से कम्युनिकेट करते रहना ताकि क्या है उस डेडलाइन को इंश्योर कर पाए कि इस टाइम के पीरियड में हमें क्या करना है, हमें हमारे जो गुड्स है वो डिलीवर करने हैं। डिलीवरी ऑफ गुड्स आर मेट इन द कोर्स ऑफ द डे। सी मीट्स कस्टमर्स फॉर ए जनरल फीडबैक
एंड एनी सजेशंस दैट मे हैव, यानी वो सजेशन लेने के लिए, फीडबैक लेने के लिए कस्टमर से बात भी करती। स्मिता इज मैनेजिंग नामचे डिजाइनर कैंडल्स। अब स्मिता क्या कर रही थी, मैनेज कर रही थी नामचे डिजाइनर कैंडल को, यानी इस बिजनेस को। सो इज द प्रिंसिपल मैनेजिंग योर स्कूल। जैसा कि हम सभी देखते हैं हमारे प्रिंसिपल है स्कूल के, वो मैनेज करते हैं स्कूल को। दे ऑल मैनेज ऑर्गेनाइजेशंस, वो सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, संगठन होते हैं, उन सबको कोई ना कोई मैनेज करता है। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉप्स एंड लार्ज कॉर्पोरेशंस और आर ऑल ऑर्गेनाइजेशंस विद डाइवर्स गोल्स। यानी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, स्कूल, हॉस्पिटल, जितने भी, जहां लोग ज्यादा मिलते हैं आपको, वहां कोई ना कोई मैनेजर मिलेगा आपको, आप देखोगे। और उन सभी के गोल्स अलग अलग हो सकते हैं, आर एम्ड एट अचीविंग समथिंग, कुछ ना कुछ अचीव करने का उनका टारगेट होता है। नो मैटर वॉट द ऑर्गेनाइजेशन इज और वट इज इट्स गोल माइट बी, दे ऑल हैव समथिंग इन कॉमन मैनेजमेंट एंड मैनेजर्स। यानी कुछ ना कुछ कॉमन चीजें होती हैं उन मैनेजर्स और मैनेजमेंट में। सबके गोल अलग अलग हो सकते हैं, वो कॉमन चीजें क्या है एक्चुअल में, वही प्रिंसिपल बनते हैं, वही कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है। जैसे कि यू हैव ऑब्जर्व दैट समिताज वर्क एज ए मैनेजर कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज और फंक्शंस एम्ड एट अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो ऑर्गेनाइजेशन उसने बनाया था, समिता ने, उसके जो गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत से फंक्शंस, एक्टिविटी वो करती, क्योंकि वो एक मैनेजर थी। तो उस मैनेजर के जितनी भी एक्टिविटी हम पढ़ेंगे, दीज इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट, यानी जो एक्टिविटी थी वो एक दूसरे से कनेक्ट थी, जुड़ी हुई थी, और इसके साथ साथ एक दूसरे पर डिपेंड भी थी। यानी प्लानिंग करने के बाद ही अगला काम होगा, फंड रेज करने के बाद ही आप हायर करोगे, यानी इंटरकनेक्टेड थी और इंटरडिपेंडेंट भी थी। फंक्शंस आर पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट की पार्ट है, काम है। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, अब ये जो लाइन है ना भाई साहब, इतनी शानदार लाइन है। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस बट बाय फॉलोइंग ए डेलिब्रेट प्रोसेस ऑफ कॉल्ड मैनेजमेंट। यानी बहुत ही शानदार लाइन है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, संगठन होते हैं, वो ऐसे बाई चांस ऐसे टॉप कंपनीज नहीं बन जाती। एक बड़ी डेलिब्रेट, बड़े शानदार तरीके का मैनेजमेंट होता है, तब जाके वो एक बड़ी कंपनी बनती है। अब ये जो अभी आप जैसे पसीना देख रहे हैं मेरे, तो आगे वीडियो को मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, काफी बड़ी वीडियो हो गई है। आगे कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।